कहते हैं कि सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है और फोटोग्राफी हमें संवेदनशील बनाने के साथ ही हमारी सोच को और रचनात्मक बनाती है। इसी सोच के साथ 850 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर सफर कर 12 दिन बाद प्रकृति को करीब से देखते हुए उसके सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद किया है पुष्पेंद्र भारद्वाज ने। पेशे से इंजीनियर पुष्पेंद्र के इन फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में लगाई गई। अहलाक पहाड़ों का सौंदर्य नाम से लगाई गई इस प्रदर्शनी में लेह लद्दाख समेत कई जगहों की प्राकृतिक खूबसूरती को कैमरे में कैद किया गया है और इसे फोटो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा, एक अनुभव एहसास और ईश्वर रचित प्राकृतिक सौंदर्य को साझा करने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मैंने जिंदगी को कैमरे की नजर से बहुत खूबसूरत पाया है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख या मनाली या मसूरी, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की जो प्रकृति का सौंदर्य, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं जवाहर कला केंद्र में। जी हाँ, जवाहर कला केंद्र की पारिजात आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन चल रही है। इस एग्जीबिशन में आपको ये सारी खूबसूरती फोटोग्राफ्स में देखने को मिलेगी और इस एग्जीबिशन को लगाया है पुष्पेंद्र जी ने। पुष्पेंद्र जी ट्रैवलर तो है ही, साथ में फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं, बातचीत करते हैं उनसे। एग्जीबिशन के बारे में मैं पहले नाम से स्टार्ट करता हूँ। आपने नाम सुना होगा, पढ़ा है आह्लाद पहाड़ों का सौंदर्य। आह्लाद वैसे खुशी आनंद का एक पर्यायवाची शब्द है जी। तो मेरा जब मैंने इन क्लिक को किया तो जो मुझे आनंद, जो एहसास हुआ, जो फीलिंग हुई, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज द ओनली मोटो तो मुझे इस एग्जीबिशन को लगाने का। इसमें टोटल 35 पिक्चर्स मैंने लगाई है। 90% इसमें लेह और लद्दाख है आपका, कुछ अमरनाथ है, मतलब एक दो क्लिक अमरनाथ की है, बाकी शिमला की है, मनाली मसूरी ये सारे जो है पहाड़ी का। तो जैसे नाम से ही आपने देखा है पहाड़ों का सौंदर्य, तो इसमें पूरा आपको मोस्टली पहाड़ की ब्यूटीज मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों की जो ब्यूटी है वो एज इट इज होती है, उस पर कोई चेंजेस नहीं करता, मतलब कोई इंसान चेंज कर भी नहीं सकता उसको, वो इतना विशाल और इतना बड़ा होता है। जयपुर तो या राजस्थान की बात करो, वो खुद ही इतना खूबसूरत है, फिर आप वहां तक कैसे पहुंच गए? लेह लद्दाख एक्चुअली शुरू से हम लोगों का ये था, एडवेंचर होता है वहाँ पे, एक्चुअली रिस्क प्लस ब्यूटी, तो एक अंदर से थ्रिल फील करते हैं जब आप सोलो टूर कर रहे होते हैं और जब आप बाइक पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा थ्रिल फील करते हैं, लेकिन वहाँ की इतनी ब्यूटी इतनी पावरफुल है तो जो थ्रिल होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब हम लोग थ्रिल जब खत्म हो जाता है तो आप उसको ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, तो जब हम लोग ब्यूटी हम लोग इतनी एंजॉय कर रहे होते हैं ना तो एक अलग फीलिंग होती है। राजस्थान बहुत खूबसूरत है, मैं बीकानेर से रहने वाला हूँ तो वहाँ जो सैंड ड्यून्स है वो बहुत 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 खूबसूरत है, लेकिन लेह लद्दाख है बहुत, अगर कहीं प्रकृति का स्वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं संसार, कहीं स्वर्ग अगर है तो मेरे हिसाब से शायद लेह लद्दाख में ही है। तो आप वहाँ ट्रैवल कर रहे थे और उसके बाद आपने फोटोग्राफ्स ली, बट उनको एग्जिबिट करने का ख्याल जो, वो कैसे आया आपके दिमाग? मेरे गुरु जी हैं जो मुझे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, महेश स्वामी जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MNIT में। मैं उनकी फोटोग्राफ देखा तो मुझे लगा, वही अगेन जो मेरा पहली लाइन थी, लोग मेरे पास जो खुशी है मैं लोगों को बांटू क्यों नहीं। तो जैसा हम लोग कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। आपका जो पहली लाइन थी, आपने बोला था अगर आपको लेह लद्दाख घूमना है, जम्मू कश्मीर घूमना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए एग्जीबिशन है, और कुछ लोग इससे इंस्पायर हो जाते हैं, कल 10 लोग भी अगर इंस्पायर होकर लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर चले जाते हैं तो मेरा काम हो गया। तो ये जो यहाँ पे एग्जीबिशन आपने की है फोटोग्राफ्स, आपकी कितने सालों की मेहनत है आपकी? ये 6 सालों की मेहनत है, बेसिकली 6 साल से मैं कंटिन्यूस फोटोग्राफी कर रहा हूँ। अगेन महेश स्वामी सर की मैंने एग्जीबिशन देखी, एक एग्जीबिशन को देख के मैंने फोटोग्राफी सोचा, बाय प्रोफेशन आई एम बिजनेसमैन, तो ये मेरी सिर्फ हॉबी है जी। ये एज ए हॉबी मैंने इसको ले रहा हूँ और उससे मुझे मतलब ना प्रकृति के पास जाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। कैमरा जैसे हम लोग देखते हैं, कैमरा हमें वो चीज़ सिखाता है जो सामने नहीं होती है, लेकिन उसमें से ढूंढ के निकालना, लोगों में कमियां होती है, अच्छाई होती है, बुराइयां होती है, हमें फोकस करना है अच्छाई को, कैमरा भी हमें वही सिखाता है। बहुत बड़ा कैनवास है आपको, आपको क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, दैट्स द थिंग। तो क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसा शौक है ना जिसमें आपको बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, एक क्लिक के लिए भी आप लोग घंटों तक इंतजार करते हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपका कोई एक्सपीरियंस इस तरह का रहा हो? मेरी एक लास्ट क्लिक है, आप वो देखें, उसको बोलते हैं गोल्डन टाइम, तो ये मॉर्निंग आवर्स में होता है, ये मनाली का क्लिक है, हिडिंबा मंदिर के पास से लिया गया क्लिक है। वहाँ पे ये अगर क्लिक 2 मिनट से अगर हमने मिस किया तो आपको अगला दिन चाहिए होता है जी। तो वो मेरा नेक्स्ट डे आया, मतलब मैं 2 मिनट लेट हो गया था ड्यू टू एनी रीजन, तो वहाँ पे जाने के बाद वो फिर मुझे नेक्स्ट डे 24 आवर्स वेट करना पड़ा, मतलब 24 घंटे हमें मुझे सिर्फ एक क्लिक करने को वेट करने के लिए करना पड़ा।
आपकी तरह से और भी काफ़ी यूथ है जो फोटोग्राफी करने का शौक रखता है, ट्रैवलिंग भी करता है, उनको अगर अपनी तरफ से कोई टिप्स अगर आप देना चाहें तो। जैसा कि आपने कहा था, ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, क्लिक फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, आप बस निकल जाए। ब्यूटी जो है एवरीवेयर, ऐसा नहीं है लेह लद्दाख जाएंगे तो आपको सुंदरता मिलेगी। आप घर से निकले, कैमरा उठाए, कैमरा चार्ज रखें और क्लिक करें। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर माई साइड। आगे कुछ और एग्जीबिशन आपकी करने वाले हैं? नेक्स्ट ईयर मैं प्लान कर रहा हूँ नॉर्थ सिक्किम के लिए और केदारनाथ के लिए। वहाँ प्योर केदारनाथ, तो नॉर्थ सिक्किम की क्लिक्स होंगे। और ये एग्जीबिशन जो हमारे दर्शक कब तक आ सकते हैं देखने के लिए? 2000 ये अभी 28 अगस्त तक है। मैंने इसको बहुत लंबा रखा है, किसी ने मुझे बोला 3 दिन के लिए रखिए, मैंने कहा नहीं, इसको 11 दिन का रखता हूँ, इसमें ताकि 2 सैटरडे आ जाए, 2 संडे आ जाए, ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या जो जॉब कर सकते हैं, अगर उनको पता चलता है आपके चैनल के माध्यम से तो बहुत अच्छा होगा, वो आए और विजिट करके जाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारी पत्रिका की जो टीवी के दर्शक और पत्रिका की पूरी टीम, उसकी तरफ से आपको बहुत थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने एग्जीबिशन लगाई है। उनका ये कहना है कि अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं या ट्रैवलिंग का भी शौक है आपको, तो बस घर से निकले, खूबसूरती हर जगह देखने को मिलेगी, बस आपकी नजरों में परख होनी चाहिए। क्लिक करिए और आप भी अपनी एग्जीबिशन लगा सकते हैं। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन मंजीत सिंह के साथ राखी हंजेला।